नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो उपस्थित हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। परिसर में कैसे घुसा युवक पता लगा रही पुलिस, मुख्य द्वार पर लगा एक कैमरा ठीक बाकी खराब। IGMC के छात्रा छात्रावास की चौथी मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर हुई युवक की मौत के मामले में पुलिस ने आज घटनास्थल पर छानबीन की। इस दौरान छात्रावास के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगे CCTV की फुटेज को कब्जे में लिया, तो वहीं आसपास के भवनों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज को भी खंगाला। पुलिस ने ड्रोन के माध्यम से भी पूरे क्षेत्र का मुआयना किया, जिससे पता लगाया जा सके कि आखिरकार युवक कॉलेज में कहां से भीतर घुसने में कामयाब हो गया था। इस दौरान पुलिस ने छात्रावास की प्रशिक्षु डॉक्टरों से भी पूछताछ की, साथ ही उन्हें सुरक्षा को लेकर जागरूक भी किया। प्रारंभिक जांच में पुलिस निजी विश्वविद्यालय के छात्र करण पटियाल की मौत का कारण गिरना मान रही है, लेकिन अन्य पहलुओं को लेकर भी जांच की जा रही है। अभी तक की जांच में पता चला है कि शनिवार रात को युवक अपने दोस्तों के साथ था। देर रात इसके दो दोस्त होटल में ठहरने के लिए चले गए, लेकिन युवक किसी से मिलने की बात कहकर लकड़ बाजार की ओर गया। रात करीब 12 बजे छात्रावास की छात्राओं को किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। जब छात्राएं बाहर पहुंची तो जमीन पर युवक लहूलुहान पड़ा था। सुरक्षाकर्मियों ने फौरन मामले की सूचना पुलिस और 108 एम्बुलेंस को दी। बनीखेत के युवक को खालिस्तानियों से मिली धमकियां, भिंडरावाले के विरोध में डाली थी पोस्ट। एक स्थानीय युवक को खालिस्तानियों से धमकियां मिल रही हैं, विदेशों से उनके नंबर पर कॉल कर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। युवक ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। युवक ने गाड़ी की विंड स्क्रीन पर भिंडरावाले की फोटो के विरोध में सोशल मीडिया में पोस्ट डाली थी। इसके बाद उसे खालिस्तानियों की धमकियां मिल रही हैं। युवक ने पुलिस को टह कर मदद मांगी। इस पर मंडी से सांसद कंगना रनौत ने उन्हें समर्थन का ऐलान किया। कंगना ने कहा कि हिमाचल पुलिस को इस मामले को गंभीरता से देखना चाहिए। पुलिस चौकी बनखेत और डलहौजी थाना प्रभारी ने जांच शुरू कर दी है। पीड़ित सिद्धार्थ बकारिया ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में पंजाब नंबर की गाड़ी की फोटो पोस्ट की। इस पर भिंडरावाले की फोटो लगी थी। इसके बाद उन्हें कनाडा, USA और मालदीव के नंबरों से कॉल आने लगे। बीते शुक्रवार को जिम जा रहे थे तो बनिहेत में गाड़ी में 6 लोग सवार होकर आए और उन्हें धमकाने और हमला करने की कोशिश की। पीड़ित ने भागकर जान बचाई। JOIT 817 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू, राज्य चयन आयोग ने जारी किया शेड्यूल। राज्य चयन आयोग हमीरपुर की ओर से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 817 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस परीक्षा में 1,841 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन कर उनके नियुक्ति के सिलसिले में संबंधित विभागों को पत्राचार किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को विभागों के आवंटन के बाद कुछ दिन पूर्व ही इस परीक्षा का नतीजा घोषित किया गया है। अब आयोग ने संबंधित विभागों को पत्राचार कर नियुक्ति सिफारिश पत्र को आयोग कार्यालय से प्राप्त करने की सूचना जारी की है। वहीं विभागों को अधिकृत कर्मचारी और अथॉरिटी लेटर के साथ आयोग कार्यालय 21 अगस्त को भेजने के लिए कहा गया है। प्रदेश सरकार के कुल 71 विभागों, निगमों, बोर्डों को यह पत्र जारी किया गया है। 73.26% ने पास की 12वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा, बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकेंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड HP बोस की ओर से जुलाई 2024 में आयोजित की गई कंपार्टमेंट की परीक्षा को 73.26% अभ्यर्थियों ने पास किया। इस परीक्षा के दौरान 12,874 अभ्यर्थी बैठे थे, जिनमें से 9,429 पास हुए हैं। वहीं बोर्ड ने अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थियों को 3 सितंबर तक का समय पुनः मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के लिए दिया है। पेपर लीक मामले में एक और आरोपी निकला भर्ती परीक्षा का टॉपर, जाने पूरा मामला। भंग कर्मचारी चयन आयोग के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में एक और आरोपी अभ्यर्थी परीक्षा का टॉपर है। पेपर लीक मामले में दर्ज 14वीं FIR में पुलिस रिमांड पर चल रहा आरोपी अमित रावत असिस्टेंट स्टोरकीपर पोस्ट कोड 822 भर्ती परीक्षा में 82 अंक लेकर टॉपर रहा था। मार्च 2022 में इस परीक्षा का नतीजा घोषित होने के बाद अमित बिजली बोर्ड हमीरपुर के सर्किट कार्यालय में तैनात था। वह 3 माह पूर्व ही नियमित हुआ था। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने भी कर्मचारी का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। पावटा साहिब में महिला की हत्या, पति ने डंडे से पीट पीट कर मार डाला।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में देर रात को पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बेटियों ने मां को कमरे में खून से लथपथ देखा। इसके बाद तुरंत महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर देर रात पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच के लिए साक्ष्य जुटाए गए। जानकारी के अनुसार पांवटा साहिब के शिवा कॉलोनी में पत्नी की हत्या करने के बाद रात को आरोपी पति मौके से फरार हो गया। भाजपा विधायक के खिलाफ FIR दर्ज, अश्लील चैट का मामला, लड़की ने बताया जान का खतरा। अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले चुराहा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंसराज एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। इस बार उनके विधानसभा क्षेत्र की लड़की ने उनके खिलाफ अश्लील चैटिंग करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर लड़की ने महिला थाना में भी FIR दर्ज करवा दी है। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर FIR दर्ज करके आगामी जांच भी शुरू कर दी है। वहीं पुलिस को दी शिकायत में लड़की ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की। यह FIR 9 अगस्त को महिला थाना में दर्ज करवाई गई है। इसमें पुलिस ने लड़की के 30 अदालत में 164 के तहत बयान भी दर्ज करवा दिया है। अब पुलिस इस मामले में आगामी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। प्राइवेट ऑपरेटर्स चलाएंगे HRTC के घाटे के रूटों पर बसें। HRTC के घाटे के 168 रूट प्राइवेट ऑपरेटरों को दिए जाएंगे और इन रूटों पर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स बसें चलाएंगे। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम शुरू हो गया है। निगम के करीब 50 घाटे वाले रूट पहले निजी ऑपरेटरों को दिए जा चुके हैं। अब 168 रूटों को निजी हाथों में देने के बाद निगम में भी बड़े स्तर पर बदलाव होगा। वहीं निगम का बस बेड़ा कम होगा, जिसके बाद कर्मचारियों की कैडर स्ट्रेंथ भी कम करनी पड़ेगी। HRTC में 12,000 कर्मचारी हैं, इसमें 9,000 चालक परिचालक हैं। निगम प्रबंधन के अनुसार घाटे के रूटों पर बस सेवा बंद होने के बाद चालक परिचालक सरप्लस हो जाएंगे। पहले चरण में युक्तिकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। स्कूलों को बंद और मर्ज करने के बाद शिक्षकों को खाली स्कूलों में भेजने की तैयारी में शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग ने 518 स्कूलों को बंद और मर्ज करने के बाद अब इन स्कूलों के शिक्षकों को खाली स्कूलों में भेजने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन स्कूलों के 800 से ज़्यादा शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है। हालांकि विभाग ने जिला उपनिदेशकों से इन शिक्षकों का ब्यौरा मांग लिया है। इसके साथ ही छात्र संख्या के आधार पर जिला के कितने स्कूलों में शिक्षकों की आवश्यकता है, इस पर भी रिपोर्ट देने को कहा है। अब छात्रों की संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग इन शिक्षकों को स्कूलों में भेजेगा। नवनियुक्त JBT को तैनाती देने के साथ ही इन शिक्षकों को भी अन्य स्कूलों में भेजा जाएगा। अब हर महीने ऐसे आएगा पानी का बिल। जल शक्ति विभाग ने ग्रामीण उपभोक्ताओं के एक वर्ग के लिए मासिक जल बिल प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है। वित्तीय बाधाओं का सामना कर ही सुखविंदर सिंह सुखू सरकार ने मुफ्त पानी योजना को गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों, एकल महिलाओं, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों जैसी चुनिंदा श्रेणियों तक सीमित करने का फैसला लिया है। वहीं सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के मीटर लगाने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार और स्टीक बिलिंग सुनिश्चित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाले होटल, होमस्टे और ढाबे जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान वाणिज्यिक जल शुल्क के अधीन होंगे। तो ये रहा दिन भर की प्रमुख खबरों का कारवां। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।